दोस्तों सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आप हमसे अनअकैडमी पर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करते ही आप हमसे जुड़ जाएंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सॉल्यूशन चैनल पर। दोस्तों रेलवे एलपी टेक्नीशियन एग्जाम 10 अगस्त 2018 का सिर्फ वन का पेपर समाप्त हो चुका है। आप जैसे दोस्तों ने कुछ ऐसे मेमोरी बेस्ड सवाल हमें भेजे जो कि सिर्फ वन 10 अगस्त 2018 में पूछे गए, वही सवाल हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं। दोस्तों हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका पेपर सिर्फ वन में था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पेपर का लेवल कैसा था, किस टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से सवाल पूछे गए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सवाल पूछा गया है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन व क्रिक ने। यह सवाल पूछा गया है जनरल साइंस से, यह सवाल आया था। दोस्तों मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो लाल रक्त कण यानी आरबीसी मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन संचार करता है। कौन सा अभयारण्य एक सिंह वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, तो कांजीरंगा अभयारण्य जो कि एक सिंह वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है और जो कि असम में है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। भारत के शबीर भाटिया ने किस फ्री सेवा को जन्म दिया, तो फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को उन्होंने जन्म दिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ हमें मैथमेटिक्स से सवाल मिले हैं। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य ₹645 हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य हमें निकालना है। तो इस टाइप से ये सवाल पूछा गया था, आप देख सकते हो स्क्रीन पर हमें 645 का 86% निकालना होगा तभी इसका आंसर आएगा 750, इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया है जो कि हमें मिला है, कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है उसी दर से वह धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। तो दोस्तों ज्योमेट्री से एक सवाल आया था, ट्रेन एंड स्पीड से 2 सवाल पूछे गए थे, एज से 2 क्वेश्चन आए थे, एवरेज से 3 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों और भी जैसे ही हमें सवाल मिलते आप तक हम वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। जो भी सवाल आएंगे हम सभी सवाल आपके साथ एक पीडीएफ के रूप में आपको दे देंगे। तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़ रही है, नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन मिलेगा उसे क्लिक कर दीजिए, बगल के बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट आए, नई रेलवे रिगार्डिंग अपडेट आए आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।